बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, ममता बनर्जी आपको बंगाल की हिंदू और देश की हिंदू कभी माफ नहीं करेंगे। जहां आपने बांग्लादेशी घुसपैठी और शरणार्थियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखा है, उसी का परिणाम है कि आज रामनवमी के दिन बंगाल के अंदर हिंदुओं का अपमान हुआ है और ये देश बर्दाश्त नहीं कर ये ममता बनर्जी के सह पर बंगाल में ये घटना घटी है। ममता बनर्जी ये उनके भाषण में बोली कि रामनवमी का मिछिल हम अलाउ करेंगे, लेकिन अगर भाजपा का कार्यकर्ता ये सोचे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी इलाका से जाने का टाइम कोई गोलमाल लगाए तो ये हम छोड़ के नहीं बात करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो वो बात बोले तभी हम लोगों को मालूम चल गया कि ये जो गोलमाल ये होने वाला है, और गोलमाल कौन कराएंगे? माननीय मुख्यमंत्री कराएंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सागरदगी इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी और ये टीएमसी सरकार को मालूम चल गया है कि हमारे माइनॉरिटी जो भाई बहन है, जो वोट है, वो हटने शुरू हो गया है। क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को पता चल गया है कि ये माँ माटी मानुष का सरकार ममता बनर्जी उन लोग के साथ 12 बरस कैसे ठगा है, और अभी ममता बनर्जी ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितना दर्दी है माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ। लेकिन जो भी हो, हमको यही उम्मीद है कि राज्य के पुलिस और पुलिस मंत्री ममता बनर्जी जो लोग दोषी है उसी को पकड़ेंगे। ऐसा भी सुनने आ रहा है कि जो रामनवमी का मिछिल बहुत सारा जगह में जा रहा था, स्पेशली हावड़ा में, वो बाहर से पत्थर फेंका जा रहा है। देखिए, राज्य में कोई गोलमाल ना हो यही हम लोग उम्मीद करेंगे, यही हम लोग आशा करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे हमारे राज्य पुलिस और पुलिस मंत्री, यही उम्मीद रख सकते हैं। राज्य में शांति रहे यही हमारा कामना है।